नान घोटाले मामले को लेकर किस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इन दिनों एक के बाद एक षड्यंत्र रचकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को परेशान किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य भाजपा से बदलापुर की राजनीति करना है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक एवं प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस पार्टी पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपने हल्फिया बयान में स्वयं चंद्राकर ने एडीजी जीपीसी द्वारा उन्हें अश्लीलतम गालियां देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं पूर्व डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला। पूरा घटनाक्रम आगामी दंतेवाड़ा चुनाव को ध्यान में रखकर रचा गया है। कांग्रेस के लोगों को चुनाव राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहिए, न कि गलत तरीके अपनाकर। दंतेवाड़ा उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करना, डॉक्टर रमन सिंह जी को टारगेट बनाकर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी रहे, जिन्होंने आज भी जनता में जो विश्वसनीयता और पकड़ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भयभीत होकर डॉक्टर रमन सिंह जी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ खड़ा है, और डॉक्टर रमन सिंह जी की पाक साफ छवि को धूमिल करने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, हम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस प्रदेश के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाकर जनता को सीधा लाभ देने की का काम किया है, जनता के हितों में काम किया है। आज दंतेवाड़ा इलेक्शन में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी हार से भयभीत होकर इस प्रकार का खेल खेल रही है, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता विफल करेगी, दंतेवाड़ा की जनता पूरी तरह विफल करेगी। जिस प्रकार से दो हलफनामे आए, दो अलग अलग मामलों में, एक अंतागढ़ के मामले में, दूसरा नान घोटाले के मामले में। नान की अगर हम बात करते हैं तो ये मामला उजागर किसने किया? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने। डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय एसीबी के द्वारा इस मामले को उजागर किया था। उसी मामले में अभियुक्तों के से हलफनामा दिलाकर यह कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं बदनाम करने की बात कर रही है। 20 लाख राशन कार्ड अवैध बनाने की बात कर रही है। मुझे याद है, मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात करते रही कि 12 लाख गरीबों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए, उस वक्त का ये आरोप और आज का ये आरोप कि 20 लाख राशन कार्ड अतिरिक्त बनाकर बड़ा घोटाला करने का, 3000 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, और उस अभियुक्त से एफिडेविट कराकर जो 4 साल जेल के शिकंजों में रहा, आज भी वो आरोपी है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को देखा है और हाईकोर्ट ने भी इस मामले को देखा है। कहीं ना कहीं नान का मामला सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने वापस भी लिया है। तो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। एक नया हलफनामा चिंतामणि चंद्राकर जी के द्वारा दिया गया है, कल मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने आ चुका है। किस प्रकार का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक, उनको गिरफ्तार करा के जिस प्रकार से प्रताड़ित करने की बात उस हलफनामे के माध्यम से सामने आई है, और किस प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ उनसे कहलवाने की कोशिश की जा रही थी, दबाव डाला जा रहा था, कहीं ना कहीं यह उस हलफनामे से यह सत्य हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में बदले की भावना से काम किया जा रहा है। एक परिवार को परेशान करना, दंतेवाड़ा का इलेक्शन जीतना एकमात्र उद्देश्य सरकार का रहा। पत्रकार वार्ता में श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगाया कि पी चिदंबरम के साथ जो हो रहा है उसका बदला कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भाजपा से ले रही है। 164 का बयान नहीं लिया गया है, शिवशंकर भट्ट का बयान नहीं हुआ है, न्यायालय का फैसला आना बाकी है, मामला अदालत में विचाराधीन है। डॉक्टर रमन सिंह को बेवजह से फंसाया जा रहा है।
आपने चिंतामणि चंद्राकर का एक हलफनामा देखा है, उसमें सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। अगर उन बातों की ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से यह महसूस होगा कि जिस प्रकार इनसे दबाव डलवा कर हलफनामा दिया जा रहा था या उन दबाव डाला जा रहा था, वैसे ही इसके पूर्व दो हलफनामे जो आए हैं अंतागढ़ के मामले में और नान घोटाले के मामले में, वो भी संभवतः इसी प्रकार से दबाव डालकर दिलवाए गए होंगे। तो आप मानते हैं कि सरकार दबाव बनाती है अधिकारियों पर? ये हम क्या मानते हैं, एक अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है गिरफ्तारी से, उसको बुलाया जाता है एसीबी ऑफिस, पहले राजनांदगांव ले जाकर बात करने की, पहले के मंतूराम के एफिडेविट को ले लें या शिवशंकर भट्ट के एफिडेविट को ले लें? नहीं, उसमें तो उल्लेख है, चिंतामणि चंद्राकर के हलफनामे में भी इस बात का उल्लेख है कि शिवशंकर भट्ट के द्वारा जिस प्रकार हमारी बात मानी गई, से आप भी मान लो, तो कहीं ना कहीं इस बात को उस हलफनामे से साबित होता है। इस पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रभारी ठोकने भी उपस्थित थे। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ राहुल चौबे की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।